अयोध्या भारत के धार्मिक विश्वास का एक केंद्र है। ये उत्तर प्रदेश में बसा हुआ एक प्राचीन शहर है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। 22 जनवरी को एक अद्भुत राम मंदिर की स्थापना के बाद अयोध्या भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में भी गिना जाएगा। तो अगर आपकी भी इच्छा है भगवान श्री राम की इस नगरी में आने की, तो ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं अयोध्या में। सबसे पहले जानते हैं कि आप अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की। अयोध्या पहुंचने के लिए अयोध्या में ही एयरपोर्ट शुरू किया गया है। बहुत सारी एयरलाइन जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो ने भी इस रूट पर फ्लाइट्स शुरू कर दी हैं। अयोध्या के पास नियरेस्ट एयरपोर्ट है लखनऊ। यहाँ से कुल डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, यानी लखनऊ से 2 से 3 घंटे में आप अयोध्या पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अयोध्या में एक फैसिलिटी से भरपूर रेलवे स्टेशन भी है जो इंडिया की मेजर सिटीज जैसे दिल्ली मुंबई से कनेक्टेड है। अयोध्या के अलावा आप लखनऊ या वाराणसी की भी ट्रेन ले सकते हैं जहाँ से अयोध्या की कनेक्टिविटी रेगुलर है। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप लखनऊ वाराणसी से अयोध्या की बस भी ले सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है और सस्ती भी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं अयोध्या में। चलिए जानते हैं अब अयोध्या पहुंचकर क्या क्या देखने को है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है राम जन्मभूमि। ये जगह जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अब हो चुका है और 22 जनवरी के बाद आप इस मंदिर में जाकर आरती पूजा भी कर सकते हैं। ये एक भव्य मंदिर बनाया गया है जिसमें भगवान राम लल्ला की मूर्ति स्थापित की गई है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी आके यहाँ पूजा अर्चना की और इस मंदिर को जनता के लिए खोल दिया। इस मंदिर को 3 लेवल्स में बनाया गया है और वो भी बिना आयरन और स्टील के, और यही इसकी यूएसपी है। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल पुराने स्टाइल से लिया गया है जिसको कहते हैं नगर स्टाइल, जिसमें एक बड़ा गुंबद है, पत्थर पर नक्काशी जैसे कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स उठाए गए हैं। इस मंदिर में इंडिया के कई भाग से कारीगरों ने काम किया है, मूर्ति से लेकर पत्थर की नक्काशी जिसमें रामायण के कई सीन्स को दीवार पर उतारा गया है। इसके बाद आप जा सकते हैं हनुमान गढ़ी। ये मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। यहाँ से अयोध्या का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को सुरक्षा और ब्लेसिंग्स मिलती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कनक भवन। ये प्राचीन मंदिर अपने सुंदर इंटीरियर्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान राम और देवी सीता की मूर्तियाँ हैं। कहानियों के अनुसार ये भवन सीता जी को केकई ने गिफ्ट किया था और कनक का मतलब होता है सोना। इसको कनक भवन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंदिर लगता भी ऐसा है कि जैसे सोने से बनाया हुआ हो। नए अयोध्या में कुछ ऐसे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जहां पर लोग फोटोज ले सकते हैं और एक नया चौक भी निर्मित किया गया है जो लता मंगेशकर जी को अर्पित किया गया है और उसका नाम भी है लता मंगेशकर चौक। यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सितार बनाया गया है और ये भी एक अच्छा फोटो पॉइंट है। और शाम होते ही आपको जरूर जाना है गुप्तर घाट। सरायू नदी के किनारे स्थित एक शांत घाट है जहां लोग पवित्र स्नान करते हैं। यहां पर माना जाता है कि भगवान राम ने जल समाधि ली थी।
यहाँ पर नाव भी मौजूद हैं, जहाँ आप सरायू नदी की सैर भी कर सकते हैं। अयोध्या में ई रिक्शा, ऑटो सब बहुत आसानी से मिलता है शहर में इधर से उधर जाने के लिए। बस इसी के साथ आपका एक दिन भगवान श्री राम की नगरी में बीतेगा। इसके साथ आप यहाँ के लोकल खाने को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आता है पेड़े, आलू की सब्जी, पूड़ी, जलेबी और बहुत कुछ। एंड बस इसी के साथ दैट्स इट फॉर द वीडियो। इसे जरूर शेयर करें और अपनी ट्रैवल लिस्ट में अयोध्या को जरूर इंक्लूड करें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।